हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड देन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे व्हाट इज टेंजेंट। ओके, देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व है, कर्व दिस वन, अगर इस कर्व को किसी भी पॉइंट पे कोई लाइन टच करके निकले तो उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। ओके, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे थीटा। ओके, एंड जो ये लाइन है, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, आपने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में भी किया होगा ये। इसमें जो भी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाएगी उसकी स्लोप क्या होगी, टैन थीटा। ओके, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड स्लोप अगर निकालनी हो हमने, स्लोप क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए, ये है हमारे पास स्लोप क्या होगी इसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स एंड टेन थीटा। अगर हमारे पास एंगल गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग हम स्लोप निकाल सकते हैं टेन थीटा। अगर वाई वैल्यू कर्व की गिवन है हमारे पास तो उसकी स्लोप कैसे निकालनी है, उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, एंड इफ टेंजेंट, देखिए इस डायग्राम में अगर ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, मीन्स ये लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए ऐसे, तो इसका एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री। ओके, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स टेन जीरो डिग्री, दिस विल बी जीरो एज दिस, टेन थीटा विल बी जीरो, टेन जीरो इज जीरो। नेक्स्ट अगर हम कहें कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देखिए इसमें इफ लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के लाइन के ऐसे देख कर बता देती हूँ। देखिए, ये लाइन अगर हमारे पास जैसे ये बन गई कर्व, अगर ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गई ये, तो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। ओके, तो ये बन जाएगा टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री क्या होगा, इन्फिनिटी। एंड डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ये। ओके, नेक्स्ट, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एट एनी पॉइंट एक्स वन वाई वन, दिस इज वाई माइनस वाई वन। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किए होंगे या स्ट्रेट लाइन जैसे भी किया होगा, अगर नहीं भी किया तो ये लर्न कर लो कि जो भी इक्वेशन होगी लाइन की वो होगी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, दिस इज स्लोप। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हम पहले निकालेंगे, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो ये स्लोप निकालेंगे इसको हम निकालेंगे एट पॉइंट दिस, अदरवाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ व्हाट इज नॉर्मल, सिंपली एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, देखिए ये बन गया हमारे पास टेंजेंट एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो इट इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी एक्स वाई, दिस वन, ये हो गया पॉइंट हमारा पी एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल एट पी, एंड दिस पी जो ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ नॉर्मल। ओके, देन इसकी स्लोप क्या होगी, देखिए ये हो गया टेंजेंट, जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसका जो इसका रिलेशन होगा वो उल्टा होगा इससे। ओके, मीन्स ऑपोजिट होगा। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी माइनस वन अपॉन डी वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंपली ऐसे हो जाएगा जैसे रिलेशन आपने किया भी होगा, एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। अगर हमारे पास दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों तो उनका रिलेशन कैसा होगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन विल बी इक्वल टू माइनस वन। अगर दोनों पैरेलल हों लाइन्स तो इसका रिलेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ओके, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो गई हमारे पास लाइन सेकेंड, नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, देन सो
ये मैंने बना दिया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, नेगेटिव ऑफ माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, अब सिंपली क्या होगा, इक्वेशन वही होगी सिंपल, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख रहे थे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप निकालना आना चाहिए। ओके, पहले हम स्लोप निकालेंगे, देन टेंजेंट, देन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल टू दिस वन एट दिस पॉइंट। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। dy स्लोप कैसे निकालनी है हमने, अगर देखिए y कर्व गिवन है तो हमने सिंपली dy अपॉन dx निकालना है। अगर हमारे पास थीटा गिवन है तो tan थीटा भी निकालना है हमने। ओके, नाउ dy अपॉन dx विल बी 18x माइनस 12, सिंपली इतनी आ गई। अब हमारे पास है एट 2 अपॉन 3 कोमा 3, ये स्लोप निकालनी है हमने। नाउ dy अपॉन dx एट, यहाँ x की x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। हमारे पास क्या चाहिए, अब x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 वैल्यू पुट करनी है हमने। एट x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, दिस विल बी 18 2 अपॉन 3 माइनस 12 एंड दिस इज, ये आ जाएगा हमारे पास 6, 12 माइनस 12 इज 0। देखिए अगर इसकी स्लोप 0 आ गई, दैट मीन्स दिस कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ फॉलोइंग कर्व्स एट गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका भी हमने dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस, नाउ डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, एंड देन dy अपॉन dx एट 1 कॉमा 2 इज dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू, हियर x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2, सो x की जरूरत है हमें, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज y इज इक्वल टू, हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 साइन x एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। ओके, सिंपली निकालिए, अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x प्लस 3 इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। ओके, सिंपली डेरिवेटिव निकाल लिया हमने। अब एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 हमने देखना है क्या वैल्यू आएगी इसकी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दिस विल बी 3 cos 3 इंटू पाई बाई 3 प्लस 3 इंटू cos पाई बाई 3। ओके, एंड इट्स वैल्यू इज 3, दिस विल बी cos पाई प्लस 3 इंटू, देखिए cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू cos पाई की वैल्यू याद रखना माइनस 1 होगी। ओके, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2, अगर आपको नहीं मालूम ये होगा cos, अगर पाई लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1, जैसे cos 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होगी माइनस 1, और cos 2 पाई आ जाए अगर तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 सिंपल, 4 पाई 6 पाई मीन्स इवन, इवन पाई आ जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास इवन नंबर इंटू पाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी 1। ओके, नाउ दिस विल बी माइनस 3 प्लस 3 बाई 2 एंड इट्स आंसर विल बी माइनस 3 अपॉन 2। नेक्स्ट हम निकालेंगे पॉइंट, पहले हमने स्लोप निकाली है, अब हम पॉइंट निकालेंगे। ओके, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी, अब कर्व होगी गिवन और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी इसके ना इसके साथ। ओके, नाउ पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को कट करे, जैसे ये पॉइंट है देखिए, ये लाइन है। ओके, दिस लाइन कट्स वाई एक्सिस,
तो क्लियर है कि इस वाई एक्सिस पे, देखिए वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट किस टाइप के होते हैं, 0 -2, 0 -1, 0 1, 0 2, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0, ओके, तो एक्स विल बी 0, देन इसको हम वाई में पुट कर लेंगे कर्व में, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ओके. नेक्स्ट इज वेयर इट क्रॉसेज वाई एक्सिस, इसको हम कट्स भी कह सकते हैं, क्रॉसेज भी कह सकते हैं, इस कंडीशन में भी क्या होगा, एक्स 0. देन वट मे विच मेक्स एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल हो तो मैंने पहले ही बताया कि स्लोप को हमने क्या ले लेना है, टेन थीटा, दैट मीन्स डीवाई अपॉन डी एक्स को हमने लेना है टेन थीटा, ओके. इसमें या तो ऐसी कंडीशन होगी कि टच इज एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू एनी लाइन, पैरेलल टू एनी लाइन, ओके, या क्या होगा, और इसमें एंगल गिवन होगा, अगर एंगल गिवन होगा तो टेन थीटा हम पुट कर लेंगे, टेन थीटा हमें मालूम है कि स्लोप होगी, स्लोप इज डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लेना है हमने, टेन थीटा, ओके. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट वेयर इट इज कट बाय वाई इज इक्वल टू 0, देखिए पॉइंट वेयर इट इज कट बाय वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या लेना है हमने, वाई की वैल्यू 0 ले लेनी है, तो उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स आपके पास या तो एक्स से कोऑर्डिनेट होगा या वाई कोऑर्डिनेट होगा, ओके. देन वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई विल बी गिवन, या तो एक्स की वैल्यू गिवन होगी या वाई की वैल्यू गिवन होगी, तो उस गिवन वैल्यू को डायरेक्टली हमने इक्वेशन में पुट करना है, और उस इक्वेशन में हमने दूसरा जो भी कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा उसको हमने फाइंड आउट करना है, ओके. फॉर एग्जांपल देखिए वाई इज इक्वल टू, हमारे पास ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है हमारे पास, एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें हमने पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो इसमें क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ये पॉइंट बन जाएगा. क्वेश्चन इज कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x विच मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वी हैव टू फाइंड द पॉइंट, ओके. Now y is equal to x square plus 2x. Then देखिए एंगल गिवन है हमारे पास, तो एंगल के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगी, विल बी tan theta. एंड दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री एंड इज इक्वल टू 1. ओके. देन dy वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे अब हम, dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2. देखिए स्लोप को हमने किसके बराबर लिखा है, 1 के बराबर, और स्लोप क्या आ गई हमारे पास, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू tan थीटा इज 1. इसमें से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज माइनस 1 इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1 अपॉन 2. तो इस x की वैल्यू जो आई है हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2, इसको हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस विल बी 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/4. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट विच इज माइनस 1 अपॉन 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट विच इज माइनस 3/4, ओके. इसी क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू कर्व इज y इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ए एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने, वेयर दिस टेंजेंट ऑफ कर्व कट्स y एक्सिस. मैंने बताया था कि अगर लाइन जो है y एक्सिस को कट करे यहाँ, ओके, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, और ये लाइन जो है दिस इज कटिंग y एक्सिस को कट कर रही है, अगर y एक्सिस को कट करे तो इस y एक्सिस के ऊपर पॉइंट किस टाइप के होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 होगा उसमें, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. इसमें से अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी एंड दिस विल बी b, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज b, ओके. नाउ ऑल्सो फाइंड स्लोप, स्लोप क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस विल बी, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे अब हम, डी कॉन्स्टेंट एज इट इज आ गया इंटू,
ई रेज टू पावर एफ एक्स हो जाएगा ये। ई रेज टू पावर एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, डी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एफ एक्स इज ई रेज टू पावर एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स, ओके, एंड दिस विल बी ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स अपॉन ए कितना आ जाएगा, वन अपॉन ए, ओके, एंड दिस विल बी बी अपॉन ए इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ए। अब हमने इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, एक्स में, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो, ओके, तो स्लोप क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस विल बी बी अपॉन ए ई रेज टू पावर जीरो, समथिंग पावर जीरो इज वन, एंड दिस विल बी बी अपॉन ए। देखिए एडिशनल भी बता रही हूँ इसमें, अगर हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे उसको हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव ऑफ वन डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना है इसमें, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज बी अपॉन ए, एंड दिस विल बी माइनस ए अपॉन बी, ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली है और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो सिंपली फॉर्मूला लगा देना हमने माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट, इसमें क्या कंडीशन होगी, जो टेंजेंट होगा, देखिए पिछले में हमने किया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेंगे तो टेन थीटा सिंपली जीरो ले लेंगे हम, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे। अगर हमारे पास टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा तो उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स को इन्फिनिटी ले लेंगे, ओके। नाउ ये कंडीशन है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एनी लाइन हो जाए, लाइन हमें गिवन होगी और परपेंडिकुलर टू एनी लाइन, ओके, सबसे पहले हमने जो भी लाइन गिवन होगी उसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा, स्लोप ऑफ एनी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ वाई, इसका सिंपली ये फॉर्मूला होगा, ओके। कॉफिशियंट मीन्स जैसे एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा होगा विद साइन तो उसको हम कॉफिशियंट बोलेंगे, जैसे वाई का यहाँ वन होगा और एक्स का यहाँ माइनस फोर होगा, इसको इसमें पुट कर देंगे, माइनस माइनस फोर अपॉन वन विच इज फोर, ओके। देखिए स्लोप ऑफ लाइन निकाल ली हमने, इसको हम दे देंगे एम टू, पिछले उसमें बताया मैंने पार्ट में कि अगर हमारे पास दो लाइंस, पहले पेज पे बताया मैंने, अगर हमारे पास दो लाइंस हों, दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स को कैसे लिखेंगे हम, एम वन इज इक्वल टू एम टू, ओके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम एज्यूम कर लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एम वन, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, ओके, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, एम वन, पैरेलल हो गई, डैट मीन्स एम वन इज इक्वल टू एम टू। देखें एम वन इज इक्वल टू एम टू हो जाएगा अगर पैरेलल होगी लाइन्स, देन इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, इसमें से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ओके। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू देन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, देन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स, ओके। नेक्स्ट देखिए m1 इज इक्वल टू m2 ले लिया हमने, m1 मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल ली माइनस 2 अपॉन 3x इज इक्वल टू, एंड स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारे पास 4, ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, अब ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2, ये जब इसको कैंसिल कर देंगे इंटू 3, एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 6। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो इजीली हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे y की वैल्यू में, इक्वेशन में, ओके। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू, सॉरी थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री,
दिस इज माइनस सिक्स की होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, देन 36 प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस 33 एंड वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 11। तो जो पॉइंट होगा, पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट विच इज माइनस 6 एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट विच इज माइनस 11। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया हमने, पॉइंट भी हमें निकालना आ गया, स्लोप भी हमें निकालनी आ गई, इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, इट्स फॉर्मूला इज, देखिए अगर हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ हम स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दिस कर्व हैज इट्स स्लोप इक्वल टू यूनिटी। देखिए स्लोप डायरेक्टली गिवन है हमारे पास अब। ओके, स्लोप है ये किसकी, टेंजेंट की स्लोप होगी। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस टू एक्स प्लस टू। ओके, तो इसमें से पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए मेनली हमें क्या चाहिए, पॉइंट गिवन होना चाहिए। तो अगर पॉइंट है तो उसे डायरेक्टली पुट कर लेंगे, अगर पॉइंट गिवन नहीं होगा तो उसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, स्लोप इज यूनिटी। तो स्लोप अगर गिवन है हमारे पास, यूनिटी मीन्स वन, स्लोप इज इक्वल टू वन गिवन है हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव वन, स्लोप कितनी निकाली हमने, माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन। इसमें से हम निकालेंगे टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास वन अपॉन टू। ओके, इस एक्स की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे इसमें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी अब, देन वाई इज इक्वल टू टेन प्लस टू वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन फोर, दिस विल बी इलेवन माइनस वन अपॉन फोर आ गया, दैट मीन्स 43 अपॉन फोर। ओके, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास अब, वन अपॉन टू 43 अपॉन फोर, ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो सिंपली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे अब। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वाई माइनस वाई वन, हमने निकाले ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, देन वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है हमारे पास, 43 अपॉन फोर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप इज वन, एंड एक्स माइनस एक्स वन विच इज वन अपॉन टू। ओके, देन इसको सॉल्व कर लीजिए अब, सॉल्व करेंगे जब, वाई माइनस 43 अपॉन फोर इज इक्वल टू सिंपली ये आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस 43 अपॉन फोर। ओके, देन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, देखिए फोर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास टू, तो माइनस टू प्लस 43 आ जाएगा हमारे पास 41 प्लस 41 अपॉन फोर आ गए इसमें। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज फोर को इधर लेके आना है तो भी ले सकते हैं, यही आंसर आ जाएगा। ऑन दी अदर साइड, अगर हमने निकालनी हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर हमने अब निकालना हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो इसमें क्या करेंगे, पहले स्लोप हम लिखेंगे माइनस वन। ओके, स्लोप हम लिखेंगे माइनस वन, अगर इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो हमने तो स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस वन, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज वन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ वन अप माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज माइनस वन। ओके, एंड इट्स की जो भी होगी इक्वेशन, माई वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज माइनस वन, देखिए वाई माइनस 43 अपॉन फोर आ जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, वाई माइनस
43 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 विच इज वाई, ये इधर आके आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस प्लस हो जाएगा 43 अपॉन 4. ओके एंड दिस विल बी वाई इज इक्वल टू, चाहे एक्स को इधर ले आओ, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 245 प्लस 4. सॉल्व कर लीजिए आप इसे 45 अपॉन 4. ये जी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व, y इज इक्वल टू दिस, ये क्या हो गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई अब. ओके एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2. पहले हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. जैसे डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ए साइन थीटा आ गया. ओके नेक्स्ट, नाउ डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करेंगे अब. ए डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा. ओके इतना आ गया. अब देखिए, अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है हमने. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन डी थीटा. इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे. डी वाई अपॉन डी थीटा क्या निकाला है हमने, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या निकाला है, ए 1 माइनस कॉस थीटा. ए को ए के साथ कैंसिल करेंगे. यहाँ फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज पाई अपॉन 2 ऐसे पुट करना है, ऐसे भी पुट कर सकते हैं. इसमें साइन पाई बाय 2 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय, वैल्यूज भी अच्छी तरह से आनी चाहिए तभी क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे. ओके देन 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 कितना होगा 0 एंड दिस विल बी 1. तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, 1 आ गई स्लोप. ओके तो इसमें पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेनली क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए. तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए थीटा की वैल्यू गिवन है पाई अपॉन 2, तो इसको हम सिंपली वाई की और एक्स की वैल्यू में पुट कर लेंगे. ओके वाई विल बी ए 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा 0 एंड दिस विल बी ए. देन एक्स की वैल्यू में ए पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 कितना होगा 1, तो ये बन गया हमारे पास ए पाई बाय 2 माइनस 1, ये पॉइंट बन गया. ओके नाउ इसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन में. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ओके y माइनस वाई वन इज a इज इक्वल टू स्लोप कितने निकाली है हमने 1, x माइनस एक्स वन की वैल्यू a पाई बाय 2 माइनस 1. देन y माइनस a इज इक्वल टू x माइनस ए पाई बाय 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस ए हो गया ये अब. ओके देन वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर ले जाइए, माइनस ए पाई बाय 2 पाई अपॉन 2 प्लस इधर को लेकर आएंगे तो इसको ये आ जाएगा हमारे पास 2 ए हो जाएगा. ओके देन वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करके क्या आएगा, ए कॉमन निकाल लो इसमें, माइनस ए अपॉन 2 ही निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 4. ओके ये आंसर आ गया. नेक्स्ट, अगर हमने निकालना है अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल. ओके स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी निकाली हुई है हमने 1, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी अब माइनस 1. ओके तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1, पॉइंट सेम रहेंगे, y माइनस y1 विच इज a इज इक्वल टू हियर स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज माइनस 1 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है हमारे पास a पाई बाय 2 माइनस 1.
ओके देन वाई माइनस ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए इंटू पाई बाई टू माइनस वन. ओके देन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस ए पाई अपॉन टू माइनस ए, ये इधर जाके शिफ्ट होकर होगा होगा प्लस ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल रिमेन विद y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए पाई बाई टू. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मली. बहुत सिंपल है. देखिए पहले आपको स्लोप निकालनी आनी चाहिए, देन पॉइंट फाइंड आउट करना आना चाहिए. अगर पॉइंट फाइंड आउट करना आ गया देन इसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन. एंड जब हमने नॉर्मल निकालना हो तो टेंजेंट की स्लोप गिवन होगी हमारे पास, तो इसको सिंपली नेगेटिव ऑफ वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाकर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ओके स्टूडेंट्स आवर लास्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2.3 ऑन कर्व दिस इज दिस y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. पहले हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी. पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स एट दिस पॉइंट 2.3. ओके वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन होगी यहाँ 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस बी इज कॉन्स्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव इज जीरो. दैट मीन्स 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर. ओके तो इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 3a अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दो इसको y, 3ax स्क्वायर अपॉन 2y. नाउ एट 2.3 स्लोप विल बी एट दिस पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मीन्स 2 एंड y की वैल्यू पुट करेंगे 3. तो ये बन गया हमारे पास 3a 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू y की वैल्यू इज 3, 12 अपॉन 6a आ गया मीन्स 2a आ जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें क्या गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस y 5. तो इस इक्वेशन जो भी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई. ओके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 5. तो इस लाइन की जो भी इक्वेशन है तो इसमें से स्लोप क्या आ जाएगी इसकी फिर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4. ओके देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है अगर अपना हमारे पास कोई भी लाइन तो उसकी स्लोप होगी कोफिशियंट ऑफ x विच इज m. ओके तो ये बन गया हमारे पास 4. देखिए अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया है dy वाई अपॉन डी एक्स विच इज 2a एंड स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन इज 4. तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इक्वली होंगे ये दोनों 2a इज इक्वल टू 4 आ गया. तो इसमें से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. ओके नेक्स्ट देखिए जो भी हमारे पास पॉइंट है जो ये लाइन होगी दिस वन दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व. ओके तो जो भी ये पॉइंट होगा इसको सेटिस्फाई करेगा मीन्स x की वैल्यू इसमें अब हम 2 पुट कर देंगे और y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे. तो इसमें पुट करके हमारे पास आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी. इसमें अब हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज. ओके y की वैल्यू पुट करेंगे 3 विच इज 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट हो गई 2 x इज 2 एंड ये बन जाएगा 8 प्लस b. तो हमारे पास बन गया 9 इज इक्वल टू 16 प्लस बी. डैट मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करके माइनस 7. ओके स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल.
आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज इंटेग्रल कैलकुलस, मींस इंटेग्रेशन करेंगे अब हम, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपके सिलेबस के जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.